सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्तों टेक्समीनिया। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो फिनटॉक्स का टूर्नामेंट हुआ है उसमें हमने ख़त्म किया है सेकंड। थोड़ा सा चीज़ें मिस हो गई टॉप आने के लिए, बट कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया खेले। एंड उस टूर्नामेंट का आपको एक मैच दिखाता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में तो यार आपको हमको सबको ही मजा आता है। तो चलो दिखाता हूँ। बात इतनी अच्छी नहीं हुई है इस मैप के अंदर, बट यू नो व्हाट, पहले दो गेम्स के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन डाला है, सो होपफुली उस चीज को जल्दी कवर अप करते हुए दिखाई दे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे जो फरहान एंड मही अमीन एंड हम लोगों को दिखाई देने वाली, यानी कि पैटर्न प्लेस ये टीम हम लोगों को आई गेस देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स सी यहाँ पर पैटर्न प्लेस में फिलहाल क्या कुछ सिनेरियो निकल कर आता है और क्या कुछ नहीं। बट यहाँ पे शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घुटने डाउन करने होंगे एंड डेफिनेटली उनको डाउन करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बट आई गेस जल्दी उनको रिवाइव भी मिल जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। सो देखते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए जो रिवाइव मिला है वो अब इनके एडवांटेज में जाता है फिर नहीं। लेकिन भाई दूसरी तरफ अमीन की अगर बात करें तो वो हम लोगों को जरूर देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग एंगल पे जाने की कोशिश करते हुए, इवन दो जस्ट पीछे उनके टीममेट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्या ये उनके एडवांटेज में जाएगा या फिर डिसएडवांटेज में, वो अभी कुछ ही क्षण में देखने को मिलेगा। डैमेज हल्का फुल्का आया, बट आई थिंक ये खिलाड़ी है, दो खिलाड़ियों के साथ सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे आपके लिए टफ होती है, हमें देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ईजी और बॉट्स का वो एलिमिनेशन देखने मिलेगा। एफएसटी वो तीसरी टीम बनेगी जो इस मुकाबले से बाहर हुई। और बाकी हम बात करेंगे सीजी कार्निवल गेमिंग की। अभी जैसे हमने देखा दो खिलाड़ियों का नुकसान उनके खाते में है, वो रिवाइवल उन्हें बेशक जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज और दो खिलाड़ी अगर मिलेंगे तो ये सफर जो अभी काफी डिफिकल्ट है इनके लिए वो काफी आसान होता देखने मिलेगा। इनके अंदर स्पेशली काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाली है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है उनका ये गेम प्ले देखने में। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कुछ अच्छे किल्स उन्होंने यहाँ पर जरूर अपने फेवर में उठा लिए हैं। सो नो डाउट यहाँ पर एक अच्छी एडवांटेज उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बट ऑरंगुटान यहाँ पर हम लोगों को अलाइव दिखाई दे रही है विद गुड नंबर ऑफ पीपल्स। एंड अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मैन पावर उनके पास होने वाली है उसका कितना ज्यादा एडवांटेज वो अपने फेवर में लेकर जाते हैं। बट कालाहारी कौन सी टीम के फेवर में होगी ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहने वाला है। जैन यहाँ पर शॉट जरूर कनेक्ट करा, जैप यहाँ पर कहीं ना कहीं यू नो थोड़ा सा शॉट कनेक्ट करने में सक्षम होंगे, लेकिन उनको रिटर्न फायर आएगा। प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, सामने यहाँ पर टीम कोशिश कर रही है जोन के अंदर आने की। यहाँ पर कोशिश करेंगे, जस्ट बगल में प्लेयर आए हैं, यहाँ पर अपनी मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी गई बट उसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब। मिस पीछे से पहाड़ी यहाँ पर एज अ स्नाइपर बखूबी हम लोगों को इस रोल का अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी टीम को अभी फिलहाल के लिए एक कवर फायर दे पाएंगे, क्योंकि मिस्टर जय जिस एंगल पर डाउन हुए थे वहां पर उनके लिए एंगल ही नहीं बन पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑरंगुटान थोड़ा सा बैक ऑफ करेगी, मिस्टर जय जिस एंगल पर डाउन हुआ है उनको अभी फिलहाल रिवाइव देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी थोड़ा सा इंतजार कर रहे, प्लेयर को स्पॉट करा गया, डैमेज यहाँ पर दिया गया जरूर है। शंकी के जस्ट बगल में प्लेयर होने वाले हैं, प्रॉब्ली यहाँ पर डैमेजेस देने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ यहाँ पर क्या कवर फायर दे पाते हैं या फिर नई पहाड़ी, बड़ा सवाल यहाँ पर रहने वाला है। जी हाँ, शंकी भी यहाँ पर शिकार होंगे मैन पावर का, और इसी के साथ यहाँ पर पहाड़ी जो बैक टू बैक डैमेजेस दे रहे हैं पीछे से, यहाँ पर उनके लिए भी शॉट्स कैट करने की कोशिश करी जा रही है। सो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अपोनेंट के द्वारा यहाँ पर निकल कर आता हुआ देखते ही देखते ऑरंगुटान को फिलहाल के लिए दो प्लेयर्स में तब्दील कर दिया गया, एबिलिटी का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन क्या ग्लोअल के आर पार जो शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वो इतने ज्यादा होंगे कि प्लेयर को रोकने में सक्षम हो, लेकिन फरहान वहां पर जस्ट बगल में आ चुके हैं, तो रेंज के अंदर फाइट करने की कोशिश करी जाएगी। पर वी टू सिचुएशन इस एंगल पे पहाड़ी को फिलहाल मजबूर है यहां से निकलने की कोशिश कर रही है, बट उनको फिलहाल नहीं निकलने दिया जाएगा, हवा में ही डाउन करेंगे। और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पैनल प्लेस फिलहाल इस एंगल पे उनको जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे, और इसी के साथ एक लास्ट प्लेयर वहां से निकलने में सक्षम जरूर होंगे। बट क्या वो रिवाइव दे पाते हैं या फिर नहीं ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इसी के साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं अब फिलहाल प्रायोरिटी रखेंगे जोन के लिए, अब देखते हैं जोन के अंदर जाने में सक्षम हो पाते हैं या फिर नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ ऑरंगुटान फिलहाल जरूर हम लोगों को एलिमिनेट होती हुई दिखाई देने वाली है। जी हाँ, वो जो लास्ट प्लेयर बचे थे उनको भी पकड़ लिया गया है, उनको यहाँ पर जोन के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। बट उसी के साथ यहाँ पर फिलहाल बाकी मेंबर्स जो है वो फिलहाल जरूर अभी मूव करेंगे जोन के लिए पैटर्न प्लेस के, देखते हैं पैटर्न प्लेस को फिलहाल कोई दूसरी टीम वहां पर रोकने में सक्षम हो पाती है फिर नहीं। बट ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ चार ही टीमें पाजी जो अभी तक एलिमिनेट हुई हैं, बाकी सभी प्लेयर्स यहां पर गेम के अंदर बरकरार दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए टीएसजी की डोर भी थोड़ी सी डगमगाती है, हमें देखने मिल रही है वो अकेले प्लेयर आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे शैंको की, अब देखिए गोलियां उनके ऊपर बरसती आपको देखने मिलेंगी, वो संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बैकअप की जरूरत पड़ सकती है कि यहाँ पे प्लेयर को डाउन किया, लीजेंड वहां पे फिनिश किए जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ शैंको
उनको वहां पर डाउन किया जाएगा। अर्श वो कोशिश करेंगे सिचुएशन को थोड़ा सा संभालने की, इजी बनाने की, लेकिन क्या वो कर पाएंगे बड़ा सवाल ऐसे में, बिकॉज वो अकेले थे। मुझे लगता है मार्वल उनका कहीं ना कहीं आगमन होता हमें देखने मिलेगा। डिवाइन भी है अर्श ग्लुवाल के पीछे, अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपने कहा था कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ये कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता है, कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो वो होता भी हमें देखने मिल रहा है। और किसी का सगा होता नहीं है जोन, वो भी चीज हमें यहाँ पे देखने मिली। जनता आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस तीसरे मुकाबले में बुया अपने नाम करेगी? वो प्रेडिक्शंस आप जरूर चैट में हमें दिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे डिवाइन की। आप अगर डिवाइन को देखोगे तो आपको हेड हंटर्स की ये टीम देखने मिलेगी, और हम बात करेंगे तो अभी भी इनके चारों प्लेयर्स जीवित है, कुछ किल्स जरूर से निकाले थे, लेकिन अभी के लिए सर्कल जाकर वहाँ पे एक बेहतरीन कंपाउंड ढूंढ निकालना, ये आई थिंक प्रायोरिटी हर एक टीम की यहाँ पे होगी, एंड वो टीम हमें देखने भी मिल रही है। लेकिन क्रूज यहाँ पे बॉल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को फिनिश करने की कोशिश करते आपको देखने मिलेंगे, लेकिन क्या वो फिनिश कर पाएंगे? ओपन रेंज की फाइट जहाँ पे ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन साइबर को देखिए आप, साइबर ने पूरी की पूरी उस सिचुएशन को ही पलट दिया, उस टेबल को वहां पे टर्न किया, और लीजिए सर्कल अगेन वो अपनी करवट बदलेगा। यहाँ पे अगेन कुछ टीमें सर्कल के बाहर होती है हमें देखने मिलेगी, कुछ टीमें सर्कल के अंदर वापस से आपको देखने मिलेगी, लेकिन मुश्किलें उनकी बढ़ेगी। इवल जो बाहर रह चुके हैं, यहाँ पे सर्कल की तरफ बढ़ना है, और चांसेस ऐसे है, देखिए ओपन पूरा इलाका है, चांसेस बन जाते हैं कि आपको कोई ना कोई खिलाड़ी ढूंढ लेगा। और इसी समय पे कार्निवल गेमिंग, उनका भी वो दुखद एलिमिनेशन हमें देखने मिल सकता है। हालांकि कोशिश काफी बेहतरीन की थी इस मुकाबले में अपने आप को बना के रखने की, लेकिन ये मुकाबला उतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। वेल बिल्कुल पाजी, ये बात तो उतना इजी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ साइबर एक लौते प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, जोन के एंट्री ले चुके हैं, जोन के अंदर है। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी जस्ट रिवाइव हुए हैं, आप देख सकते हो लूट इतनी अच्छी नहीं है, हिटमैन सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हेड हंटर्स फोर मैन स्क्वाड इस एंगल पे दिखाई दे रही है, गुड नंबर ऑफ किल्स यहाँ पर दिखाई देंगे उनके फेवर में। सो देखते हैं अभी फिलहाल जिस एंगल पे वो दिखाई दे रहे हैं, क्या वो इस चीज को कवर में ले पाएंगे, लाइक अपने फेवर में ले पाते हैं या फिर नहीं। बड़ा काउंटी, हेड हंटर्स, टीम माफिया, पैटर्न प्लेयर्स एंड टीएसजी, फिलहाल ये प्लेयर्स हमारे सामने निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टीम के। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आरटीपी एक और बुया अपने फेवर में लेकर जाएगी, बैक टू बैक तीन बुयास निकाल पाते हैं या फिर नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पैटर्न प्लेयर्स यहाँ पर हम लोगों को जरूर देखने को मिलने वाले हैं, 10 नंबर ऑफ किल्स। तो देखते हैं, काफी शानदार यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। फरहान ने यहाँ पर हेमू को डाउन जरूर करा है, बट किल आई डोंट थिंक सो कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी। वहीं डिवाइन को भी डाउन करने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर देखते ही देखते हेड हंटर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है जरूर बढ़ाई गई है, बट आई डोंट थिंक सो वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होने वाली है कि उनको रिवाइव ना मिल पाए उस एंगल पे, आराम से वहां पर रिवाइव दे दिया जाएगा। बट जो नेक्स्ट जोन है वो यहाँ पर पैटर्न प्लेस के फेवर में नहीं है, उनको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो देखते हैं वो फिलहाल जाने में सक्षम होंगे, ग्रैपलिंग का उपयोग देखने को मिलेगा अपोनेंट के द्वारा। आई थिंक वो हेड हंटर्स होने वाले हैं, क्लोज रेंज के अंदर आए जरूर है पैटर्न प्लेस के। अब देखते हैं पैटर्न प्लेस फिलहाल इस चीज को कैसे कवर अप करते हैं। फरहान यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे, शॉट यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, अपने आप को हील अप करेंगे, हल्का फुल्का जो यहाँ पे उनकी हेलमेट पे ब्रेक हुई है उसको रिकवर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है, इट मींस यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गिनोत्र को यहाँ पे डाउन जरूर कर दिया जाएगा, फरहान को यहाँ पर जल्दी से आगे की तरफ मूव करना होगा, थ्रोबल्स का उपयोग, बट सामने क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? जी हाँ, डैमेजेस यहाँ पर दिए गए बट नॉट इनफ कि वहां पर उनको डाउन कर पाए। वंस अगेन थ्रोबल्स का उपयोग, जोन यहाँ पर उनको पुश कर रहा है, जल्दी से आगे की तरफ जाना होगा, लेकिन स्टिल फरहान यहाँ पर प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लू वॉल यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है, मैन पावर का फायदा उठाया जाएगा, लेकिन क्या 1v2 सिचुएशन यहाँ पर उनके फेवर में जाएगी? नोप, नहीं जाने वाली है, फरहान को यहाँ पे डाउन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किल भी यहाँ पर कंफर्म होती हुई दिखाई देगी, हाइट का एडवांटेज दिया जा रहा है प्लेयर्स के द्वारा अपोनेंट में, एंड क्या वो टीम जो होने वाले वो आरटीपी होने वाली है? बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा जरूर। पैटर्न प्लेस थ्री मैन स्क्वाड इस एंगल पे देखने को मिलने वाले हैं, जोन के थोड़ा सा एज पे रहेंगे, बट अगेन आई गेस थोड़ा सा अपने आपको पैसिव मोड पे रखा जाएगा। अनुभव को फिलहाल यहाँ पे जरूर डाउन करा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वोटा आगे की तरफ जाएंगे, एंड जी हाँ, यहाँ पर प्रवीण को शॉट कनेक्ट करेंगे, इट मींस टीम माफिया भी यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई दिखाई देने वाली है। कहीं ना कहीं अपने लिए पैसिव गेम प्ले रखने की कोशिश करी जा रही थी, प्लेसमेंट पॉइंट निकालने की कोशिश करी जा रही थी, बट फाइनली यहाँ पर पैटर्न प्लेस उनको स्पॉट करेगी और इसी के साथ खात्मा भी करती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर किनोत्रा जरूर शॉट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, क्लोज रेंज के अंदर यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करा गया है, एंड आई थिंक ये टीएसजी के मेंबर थे जो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ ओके, आरटीबी भी एलिमिनेट हो चुकी है, इट मींस यहाँ पर गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहेगा। एंड अब देखते हैं क्या कुछ होगा, जॉन्टी गेमिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देने वाली है, उनको भी यहाँ पर फिनिश अप किया जाएगा। और इसी के साथ अब यहाँ पर देखने को मिलने वाले हमारे
टीम हेड हंटर्स एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारी होने वाली है टीम पैटर्न प्लेज एंड लेट्स सी यहाँ पर तीनों ही दोनों ही टीम में से कौन सी टीम होने वाली है जो बुआ निकालेगी। बट अगेन यहाँ पर एक और प्लेयर डाउन होते हुए दिखाई देने वाले हैं हमारे हेड हंटर्स के, वही दूसरी तरफ फायदा उठाएगी पैटर्न प्लेज, लेकिन क्या पैटर्न प्लेज रोकने में सक्षम होगी बड़ा सवाल। ग्लू बॉल्स का उपयोग किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ लेट सेफ ओवर भी बनाने की कोशिश करी जा रही है। ग्लू बॉल्स बैक टू बैक लगाई जा रही है, ग्लू बॉल मैटर यहाँ पर थ्रो कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि बैक टू बैक ग्लू बॉल्स जल्दी से जल्दी यहाँ पर ब्रेक होती हुई दिखाई देंगी हम लोगों को। लेकिन वही दूसरी तरफ देखते देखते शायद कोई लौटे प्लेयर अगर मेगा लेफ्ट तो यहाँ पर सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी रोकने में सक्षम हो पाते हैं यहाँ पर बड़ा सवाल। ग्लू बॉल के ऊपर गए, हाइट कट बाल्टी करने की कोशिश करेंगे, प्लेयर वहाँ पर डाउन किया गया, वंस अगेन सेफ कवर में आएंगे, अपने आपको हील करना होगा, एचपी बहुत ज्यादा कम है बट वहाँ पर कोट आएंगे एंड डेफिनेटली इस गेम को अपने फेवर में लेकर जाएंगे, यानी कि पैटर्न प्लेस इस गेम के अंदर एक बहुत ही शानदार बुआ अपने साथ लेकर जाती हुई दिखाई देगी नो डाउट। वहां पर हेड हंटर्स ने कोशिश